देश भर में आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस द्वारा अंबाला के कांग्रेस भवन में भी कार्यक्रम आयोजित कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे, वहीं कांग्रेस से पूर्व मंत्री फूलचंद मुलाना ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बाबा साहेब की प्रतिमा को कांग्रेसियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री फूलचंद मुलाना ने बताया कि आज विश्व भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो शख्सियत हैं जो अपनी मेहनत के बल पर गरीबी से उठकर ऊंचाई पर पहुंचे थे। आज भीमराव अंबेडकर जयंती विश्व भर में मनाई जा रही है। मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो शख्सियत हैं जो गरीबी से उठकर ऊंचाई तक पहुंचे। कैसे पहुंचे? अपनी मेहनत के बल पर, लगन के बल पर। मैंने उनके विषय में पढ़ा है, स्कूल में दाखिला नहीं मिलता था, ये दलित है, किसी की सिफारिश से मिला। फिर ऊंची पढ़ाई के लिए महाराजा बड़ौदा की जो राशि थी वजीफे की, उससे पढ़े, बीए, एलएलबी, एलएलडी, इतनी ऊंची डिग्रियां प्राप्त की। जब बारहला बन के आए तो जज की पेशकश की गई, उन्होंने कहा नहीं, मैं जज का फंदा गले में डालना नहीं चाहता, मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं और वो नौकरी से बाहर रह के करूँगा। संघर्ष किया। जो दलित लोग कुएं पे पानी नहीं पी सकते थे, चढ़ नहीं सकते थे, कुत्ते चढ़ सकते थे, उसके लिए संघर्ष किया। तालाब से पानी तक नहीं पी सकते थे, वो पिलवाया, उसके लिए संघर्ष किया। फिर शिक्षा संस्थानों में तीन बातें सारे बच्चों को कही कि शिक्षा सब चीज़ों की कुंजी है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, ये तीन फार्मूले दिए। और जब महात्मा गांधी जी ने व्रत रखा उनके इस कहने पर कि हम तो अलग इलेक्टोरेट चाहते हैं, इस बात के लिए मान गए कि हमने देश को इकट्ठा रखना है, बंटने नहीं देना, मान गए और कुछ शर्तें लेके ये रिजर्वेशन वगैरह पूना पैक्ट में करवाई। आज समाज में बराबरी का अधिकार अगर दलितों और गरीबों को मिला है, डॉक्टर अंबेडकर की वजह से मिला है। ऐसा संविधान, संविधान सभा की मीटिंग के बाद जब ड्राफ्टिंग का मुद्दा आया तो पंडित नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को चुना और उन्होंने ड्राफ्टिंग करके ऐसा संविधान बनाया जो दुनिया में कहीं नहीं है। हम उनको शत शत नमन करते हैं और आशा करते हैं कि आज की सरकार, आज की समाज उनकी नीतियों पे चलेगी और बराबरी का अधिकार सबको देगी। वहीं कांग्रेस के हरियाणा कोषाध्यक्ष रोहित जैन ने कहा कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर हम सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रण भी लेना चाहिए। देखिए, आज सबसे पहले आपके माध्यम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती पर पूरे देश के वासियों को हार्दिक बधाई, साथ ही साथ बैसाखी और महावीर जयंती की भी सभी को हार्दिक बधाई हो। आज हमें प्रण लेना चाहिए कि हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी और महावीर स्वामी जी के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, जिस प्रकार से बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संघर्ष किया और संघर्ष से एक उस स्थान पर पहुँचे कि वो इस संविधान के, हमारे भारत के संविधान के रचयिता बने, तो हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल सकें। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर अपनी तीन पेंशन छोड़ने का ऐलान किया है, जिसके बाद उन्होंने सभी पूर्व विधायकों से भी एक ही पेंशन लेने की अपील की है, जिसको लेकर हरियाणा में सियासत जोरों पर है। वहीं इस मामले को लेकर आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री फूलचंद मुलाना से भी सवाल पूछा गया। उसके जवाब में क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। हरियाणा में पेंशन एक ही है, सिर्फ दूसरी टर्म का या उससे ज़्यादा टर्म का 10,000 रुपया पर टर्म एक तरह का सोल्यूशन तय किया हुआ है, बाकी डीए है, पेंशन एक ही है। देखिए, मैं तो इसके बारे कुछ नहीं कहूँगा क्या होना चाह रहे हैं, लेकिन असलियत मैंने आपको बता दी, पेंशन एक ही है, बाकी डीए है या 10,000 पर टर्म एक तरह का सोल्यूशन है।